अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद बनाने लगी हूँ और मैं इस पर पेंटिंग करने लगी थी तो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड भी कर दूँगी। तो मैंने एक पेंटिंग्स का सेट बनाया था, तीन पेंटिंग्स का, फ़िलहाल तीन है। हो सकता है कि मैं पूरे 99 नेम्स लिखूँ, हो सकता है कि तीन ही रहने दूँ। तो मैं पहले आपको अपनी वो दूसरी वाली पेंटिंग्स दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम इस पर कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, एक ये पेंटिंग, एक ये, और एक का ये बैकग्राउंड मैंने बना लिया है। इस पर हम राइटिंग करेंगे भी, और जो राइटिंग करेंगे वो हम फ्री हैंड राइटिंग करेंगे, मतलब कोई ख़त यूज़ नहीं कर रहे कि जैसे ख़त सुल्फ है, ख़त दीवानी वगैरह, हम कोई ख़ास ख़त नहीं यूज़ कर रहे। इसको हम कह सकते हैं कि हम फ्री हैंड कैलीग्राफी करेंगे इस पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब हम फ्री हैंड कैलीग्राफी करने लगे ना, तो हमने एक बात ज़हन में रखनी है कि हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि हमारा बैकग्राउंड बन गया भाई, हमने ब्रश पकड़ा लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमने डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखना, हमने पहले डिज़ाइन बनाने हैं। डिज़ाइन बनाने से मुराद ये है कि जैसे जैसे ये मेरे पास एक नोटबुक है, आप कोई नोटबुक, पैड वगैरह जो मर्ज़ी रख लें, ठीक है। उस पर अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने कोई भी आयत लिखनी है या कोई भी, जैसे मैं अल्लाह के नाम लिख रही हूँ, तो मैंने पहले अर्रहमान को कितने अलग अलग स्टाइल्स में लिखा और उसके बाद मैंने वो रेज़ कर दिया, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। तो जो मैंने फ़ाइनल मेरे जो स्टाइल्स हैं ना, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये मैंने लिखने के बाद इसके ऊपर लिखा, ठीक है। मतलब ये कि काफ़ी सारे स्टाइल में, जैसे अलमालिक के लिखे हुए हैं, ये अलग अलग स्टाइल में लिखा और उसके बाद जो स्टाइल मेरा फ़ाइनल हुआ उसको मैंने पेंटिंग पे लिखा। अब पेंटिंग पे जो स्टाइल हमारा मेरा फ़ाइनल हुआ, उसको भी मैंने यूँ नहीं किया कि मेरा स्टाइल फ़ाइनल हो गया, मैंने उसको फ़ौरन ये कैनवस के ऊपर लिख लिया, नहीं। उसके लिए भी मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक चौक लेना है हमने, ये चौक, ठीक है। अब जो हमने स्टाइल जिस पे हमने प्रैक्टिस, मतलब अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं, उसको हमने अपने पास रख लेना है ताकि हम देख लें कि हमने किस तरह का स्टाइल जो है फ़ाइनल किया है, वो हमने लिखना है। अब मैंने इन सब के बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम ही बनाए थे, लेकिन कलर्स थोड़े अलग अलग थे। ये इस रुख का था तो बनाते वक्त ज़रा उसकी जगह चेंज हो गई थी, लेकिन वैसे अब इस तरह हो गया, कोई मसला नहीं है। तो ये हैं कलर, डिफरेंट हैं, और एक ये कलर है। अच्छा, अब हम इस पर कैलीग्राफी करने लगे हैं। इसको मैं रखूँ साइड पर, और देखें अब यहाँ पे मैंने कैलीग्राफी करनी है इसके इस एरिया में। अब अगर मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूँ तो हो सकता है जब मैं लिखूँ तो वो मेरा वर्ड थोड़ा इधर हो जाए या थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब सेंटर में ना आए, तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि नीचे एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड है, तो हम उसको दोबारा, हमारा कैनवस ख़राब हो जाएगा। तो हमने ये करना है कि पहले हमने चौक से अपना वर्ड लिख लेना है, सही हो गया, सेंटर में लिखा गया, तो हमने ऊपर कलर से लिखना है, वरना हमने उसको आराम से रेज़ कर लेना है। अच्छा, जब हम इसके ऊपर चौक से लिखते हैं तो रेज़ करते वक्त थोड़ा सा यहाँ से जो रेज़ कम्प्लीटली रेज़ नहीं होता, थोड़ा सा वाइट वाइट रह जाता है, ठीक है। और स्पेशली जब हम ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर लिख रहे हों चौक के ऊपर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है चौक से लिखा हुआ, ठीक है। उसका भी हल ये है कि जैसे हमने ये चौक से लिखा है, अब हमने चौक का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ नरम हो, कुछ चौक होते हैं कहीं से थोड़ा सा हार्ड सा भी हो जाता है तो वो उससे फिर पेंट उतर जाता है, तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वो कहीं हार्ड जगह ना आ जाए। अच्छा, हम इसको आराम से ब्रश के साथ साफ़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा वाइट वाइट रह जाता है, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर ये थोड़ा सा वाइट वाइट भी रह जाता है, हमने एक रेज़र लेना है, उससे हम ये ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल उसकी जो नीचे ओरिजिनल हालत थी ना, जो पहले जो कलर था, बिल्कुल वो कलर निकल आता है। इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। जैसे अगर हम इस पर लिखें, इसको ब्रश रेज़ करें, तो ये थोड़ा सा वाइट वाइट रह गया, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा इरेजर से यूँ करना है, कलर नहीं उतरता। ये देखें, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आ गया जिसमें पहले था, ठीक है। अब हम, आपने चौक से लिखते हुए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब हम देख लें कि हमने कौन सा वर्ड लिखना है। मैंने लिखा अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक अब मैं लिखूँगी। अच्छा, तो मेरे पास डिज़ाइन मैंने लिखा हुआ है और इसी डिज़ाइन के हिसाब से मैं लिखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने ज़्यादा प्रेशर से नहीं लिखना क्योंकि हमें रेज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हमने कोशिश करनी है, अगर हम फ्री हैंड लिख रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट जो वर्ड्स हैं ना सेम, वो हमारे ना सेम ही आए। जैसे कि अब ये देखें, मैंने अलिफ़ इसमें यूँ कर्व में लिखा था, ठीक है। मैंने इसमें भी अलिफ़ थोड़ा यूँ कर्व में लिखा है। अब इसमें जो हमारा अलिफ़ आएगा, लाम आएगा, मतलब जो इस तरह के वर्ड्स होंगे, जैसे अलिफ़ था, लाम था, मैंने कर्व में लिखा। इसमें भी अलमालिक में अलिफ़ और लाम आएगा, वो मैं सेम वही टेक्निक से कर्व में लिखूँगी, ठीक है। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि
जब हम इकट्ठे सेट बना रहे हों तो अगर यहाँ फ्री हैंड कैलीग्राफी जब भी कर रहे हों तो हमारे वर्ड्स बिल्कुल ही अलग अलग स्टाइल में ना हों, क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे, तकरीबन सेम स्टाइल में हों। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं लिखना। मैंने उनमें कर्व में लिखा था, इनमें भी कर्व में लिखूँगी। अच्छा, तो जो मेरा अलमालिक है वो ज़रा लंबा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अलिफ, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगी क्योंकि बीच में हमारा मीम है और मैं चाह रही हूँ कि मीम जो है वो अलिफ के नीचे आ जाए। सेम वही ये चीज़। ये ज़रा बाहर को आ गया, इसको मैं थोड़ा रेज करूँगी। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करें क्योंकि अल मालिक ज़रा यूँ होना था, वो मेरा जो मैं पहले लिख रही थी वो ज़रा यूँ आ रहा था, थोड़ा हमने टेढ़ा तो लिखना लेकिन वो ज़्यादा ही टेढ़ा आ रहा था। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले चौक से लिखें ताकि हमारी जो गलती हो हम उसको फ़ौरन ठीक कर सकें, हमारे पास चांस। जी अच्छा, ये देखें मैंने इसमें नून की शेप यूं दी थी, तो हमने काफ की शेप भी हमने यूं ही देनी है। तो हमारा काफ था यहाँ पे यार। इजी जाके थोड़ा सही। अब अलिफ लाम, ये वाला लाम और ये काफ़ का जो डंडा होता है, इसको हमने कोशिश करना है कि हमारा अलिफ, ये लाम, ये वाला लाम और ये काफ तकरीबन जो है वो सेम मेजरमेंट्स के हों। मतलब ये कि इनके जो इनका जो कर्व है, मतलब जो मैंने अलिफ का फर्ज, ये अलिफ का है, ये लाम का हो, ये एक लाम का हो और ये काफ का हो, ये तीनों मतलब सेम जो है शेप के हों, ये कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश करनी है, हूँ ना हूँ वो अलग मसला है, बस कोशिश हमने करनी है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ये है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा मेरा चौक, लेकिन मुझे चौक नज़र आ रहा है। अलिफ को तो मैं बाद में ही लिख लूँ इसके करीब। अच्छा, ये देखें हमारा ये जो दो लाम है ना, ये दो इकट्ठे हैं और हम कोशिश करेंगे, अब मैं कोशिश करूँगी कि इन दोनों के बीच जितना गैप था उतना ही इन दोनों के बीच गैप हो, ताकि ये दोनों फिर देखने में ना अच्छे लगेंगे, ऐसा लगेगा दो ये हैं दो ये हैं। इसमें हमने ख्याल रखना है कि हमारा प्यारा भी लग रहा हो, इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम फ्री हैंड कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा यूँ यूँ काफ ले आई हूँ, सॉरी लाम ले आई हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ से भी करूँगी। ये हो गया, इसको हम सही तरह से राउंड कर लेंगे, ये दोनों चीज़ें मैच हों, एक ज़्यादा नीचे एक ज़्यादा ऊपर ना हो, बिल्कुल जितना बराबर हो सकता है हो उतना बराबर हो। यहाँ से ऊपर ये चाहे तो आप यूँ इस शेप में रख लें, मतलब ये है कि हमारी ये चार अलिफ हैं, अलिफ नहीं मतलब यूँ डंडे वगैरह, तो हमारी कोशिश हो कि यहाँ तो इसको इस शेप में कर लें, यानी कि ये इतना लंबा, ये इतना लंबा और ये इतना लंबा और ये सबसे छोटे, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, जैसे भी आपका दिल करता है। मैं थोड़ा सा इसको कर्व में रख लूँगी, यानी कि ये सबसे लंबा अलिफ, ये वाला इतना, ये इतना और ये इतना, और एक्स्ट्रा लाइन हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये मेरा तैयार हो गया, इसको मैंने अब लिखना है।
अब इसके लिए मैं यूज़ करूँगी फ्लैट ब्रश अपना, और फ्लैट ब्रश में हमारे पास यही वाले ब्रश हैं, इन्हीं से मैं लिखूँगी, और ये इनके अलावा मैं ब्रशेस ज़्यादा यूज़ नहीं करती, यही यूज़ करती हूँ। एक ये ब्रश यूज़ करूँगी, और ये मेरे पास ज़ीरो साइज़ ब्रश है, ये देखें, इससे मैं थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह जहाँ से सही करने वाला होगा वो करूँगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे चौक से नीचे लिखा हुआ है, हमने एक वर्ड रेज़ करना है। ठीक है, ये देखें, हल्का हल्का रेज़ कर दिया मैंने, अलिफ रेज़ कर दिया। अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और हमने अगर सारा रेज़ कर देंगे फिर हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हमने एक एक वर्ड को रेज़ करके एक एक वर्ड लिखना है। मैं वाइट से लिखूँगी इसको भी, तो मैं पहले वाइट कलर डालूँ इसमें कंटेनर में, तो इसमें डाल देती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर। अच्छा, अब मैं इससे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने इसको वाइट कलर को डाल लिया है, अब लिखना स्टार्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जिस तरह ये हमने अलिफ लिखा है, सेम हमने कोशिश करनी है कि इसी तरह इतना ही गैप, मतलब जितना ऊपर से गैप आएगा उतना ही नीचे से गैप आए, ये चीज़। आगे से जो मीम है वो हमने राउंड में लिखना है, जितना हम परफेक्ट राउंड बना सकेंगे उतना बना लेना है, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी हम ये ज़ीरो साइज ब्रश के साथ ठीक कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे है ना, ये मैंने दोनों नीचे नोक से बना लिया, लेकिन जो मैंने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस डिज़ाइन बनाते हुए बनाया था, यहाँ पे मैंने नोक नहीं बनाई हुई, तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको ना यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने चौक से तो नोक बनाई थी, तो अब मैं चौक से ना, मतलब इसको ना थोड़ा यूँ कर रही हूँ, और इसकी भी नोक ज़रा फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, इसकी नोक को भी ज़्यादा ज़रा कम नीचे कर रही हूँ। ठीक है, तो जो वाइट कलर होता है ना वो हमारा ज़रा हमें उसके बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, तो इसलिए ये हमारी फर्स्ट लेयर हो रही है अभी, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और लेयर की, फिर शायद में भी एक और दो तीन लेयर्स करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये थोड़ा ड्राई हो जाए ताकि, क्योंकि मैंने यूँ आना है तो यहाँ पे मेरा हाथ ना लगे, ड्राई हो ही गया। अब मैं ये देख लूँ जो मैंने चौक से लगाया ना, ये देखें चौक से थोड़ा ना टेढ़ा आ रहा है, मैंने थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये मैंने यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है, कोशिश करनी है कि यहाँ से जितना ऊपर से गैप है उतना ही हमारा नीचे से गैप हो। ऊपर से जितना गैप था उतना ही नीचे से गैप था हमारा। अब क्योंकि हम किसी खत के मुताबिक नहीं निकले, तो यहाँ से मैं राउंड में लेकर आऊँगी पूरे ब्रश के साथ, ये चीज़ राउंड में इसके साथ मैच किया। अब जो ये हमारी इसकी
लाम की वो क्या कहते हैं शेप थी, वही शेप हम इसकी भी लेकर आएंगे। और यहाँ से हमने थोड़ा कर्व में लाना था, उप्स, तो हम इसको थोड़ा सा इससे कर्व में लाएंगे। ये मैं यूं लेके गई, ये मैंने राउंड किया था, इसको मैंने थोड़ा सा यूं शेप दिया। बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये मैंने शेप ये क्यों दिया, क्योंकि ये देखें अगर हम इस पे देखें तो मैंने इसमें यूं ज़रा शेप दी थी ना, तो मैंने इसको इसके डिज़ाइन को इसके साथ मैच करने के लिए थोड़ी यूं शेप दी है इसकी। अच्छा, क्योंकि मैं सेट बना रही हूँ और सेट में मैं कोशिश मेरी यही है कि मिलते जुलते अल्फाज हों। अच्छा, अब हम यहाँ से आएंगे थोड़ा सा, कर्व में आके ये इधर वही हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ से नीचे को थोड़ा लेके गई हूँ, जैसे कि यहाँ से था ये चीज़। अब यहाँ से हमने यूँ ऊपर को, अच्छा ये हमारा हो गया, इसको हम रखते हैं साइड पे अब इस ब्रश को। अब ये है कि मैं ये ज़ीरो साइज़ ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और मैं ये ज़ीरो साइज़ ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि एक तो दूसरी लेयर हम बाद में करेंगे, और ये है कि इसको ज़रा मैं क्लियर कर लूँ। इसके साथ तकरीबन दूसरी लेयर भी हमारी हो ही जाएगी। और ये देखें यहाँ से था, इसको मैं अंदर वाली जो जगह है इसको राउंड करूँगी ताकि ये बिल्कुल राउंड लगे ये चीज़। और हमने इसको सही करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये नहीं करना कि आप देखें जिस तरह एक ब्रश की थिकनेस जो ब्रश का साइज़ जो था इसका इतना साइज़ था, ठीक है, हमने इसी साइज़ के हिसाब से लिखा है। अब हमने एक जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि हमने जो यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया ना वही प्रेशर यहाँ से अप्लाई हुआ। मतलब अगर हम फ़र्ज़ करें इस ब्रश से ये लिखें कम प्रेशर के साथ, ठीक है, अब मैं इसके साथ ज़्यादा प्रेशर के साथ लिखूं तो इसकी थिकनेस में और इसकी चौड़ाई में और इसकी चौड़ाई में विड्थ में फ़र्क आ जाएगा। अगर मैं इसको हल्का से लिखूं और इसको दबा के लिखूं, तो ये हमने ना एक ही प्रेशर अप्लाई करना है ताकि हमारा जो इसकी चौड़ाई है वो सेम ही आए। और हमने जब हम इसको क्लियर कर रहे हैं उसमें भी हमने ख्याल रखना है ये कि हमने कहीं से उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं कर देनी कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गई है, ख्याल रखना है हमने, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो ही पेंटिंग फिर खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये जो थे वो मैंने कर्व बनाया था तो मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ इसका कर्व। ये हमारा सेकंड कोट भी हो जाएगा और जो है हमारा जो इसके किनारे हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ से पहले क्लियर करूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है, हालांकि ये ख़राब नहीं है क्योंकि हमारे पास था ज़रा मोटे साइज़ का ब्रश जिससे हम लिख रहे थे और ये थी बारीक जगह, तो मैंने इतना सही से यहाँ से लिखा नहीं है कि ख़राब ही ना हो जाए। ये मैंने इसकी तरह नोक बना ली, इसके साथ मैच कर दिया, और मेरा कलर भी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से थिक हो गया है, ड्राई हो रहा है। ये चीज़ एजेस बिल्कुल जो किनारे हैं वो कोशिश करें बिल्कुल स्मूथ से हों,
क्योंकि अच्छा ये हमारा नीचे वाइट थोड़ा वाइट वाइट कलर था और हमने ऊपर लिखा भी वाइट से है तो हमारा इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसके वो बनाएंगे ना बॉर्डर बनाएंगे ब्लैक से जिस तरह हमने इसका बनाया तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा और प्यारा सा हो जाएगा। अब जो मैं थोड़ा सा करने लगी हूँ वो ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था ये यहाँ पे हे था, हे के नीचे जो रे आया था उसका जो मैंने किनारा था उसको सीधा नहीं रखा, इसके हे के मुताबिक मैंने उसको कर्व कर दिया था, ठीक है। इसी तरह मीम के ऊपर जो अली पा रहा है उसको मैं सीधा नहीं रख रही, उसको मैं मीम के मुताबिक थोड़ा सा कर्व कर रही। मीम की शेप के लिहाज से थोड़ा सा इसको मैं कर्व कर रही हूँ। अच्छा इनमें से कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ऐसे ही करना है, ये बस कर सकते हैं आप भी, लेकिन ज़रूरी कुछ नहीं है। अच्छा आगे अब हमने क्या करना है, आगे मैं क्या करने लगी हूँ, मैं एक दो ब्रश यूज़ करूँगी, एक ये वही जो ज़ीरो साइज़ का ब्रश मैंने आपको पहले दिखाया है कि मैं यूज़ करूँगी उसके लिए, जो मैंने अभी क्या कहते हैं इसको इसको किनारों को ठीक करने के लिए यूज़ किया था, मैं वही वाला एक ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने एक कोई भी ब्रश आप ले लें, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ब्रश हो, कोई भी ब्रश हो कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसको हमने करना ये है कि एक में पहले हमने ब्लैक कलर ले लेना है, ब्लैक कलर ले लेते हैं हम किसी कंटेनर कोई ये रहा, इस पे हम डालते हैं थोड़ा सा ब्लैक कलर। अच्छा अब हमने करना ये है कि ये जो ब्रश था मैंने आपको दिखाया, अब ये मेरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, मैंने इसके साइड पे जो चौक वगैरह था वो भी साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। और अब ये है कि ये मेरे पास ब्रश जो मैंने आपको बताया हमने एक्स्ट्रा लेना है, इसको हमने पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने के बाद आपने अब गौर से देखना है कि हमने किया क्या है, मैं यहाँ पर करूँगी ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। ये जो हमारा काफ की आउटलाइन है इसके इर्द गिर्द हमने हल्का हल्का यूँ पानी, मतलब हमने साफ़ नहीं करना, ये समझ लिया हमने यहाँ पर पानी लगा लेना है, एक पानी की साइड पे बिल्कुल किनारे किनारे पे यूँ पानी की लेयर लगा दी, ठीक है। अब हमने इस ब्रश पे कलर लगाना है, ब्लैक कलर लगाया, और ये जो हमारा यहाँ पे हमने पानी की एक लेयर लगाई थी उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे हमने बिल्कुल आराम से यूँ आउटलाइन कर लेनी है। अच्छा पानी लगाने का क्या फ़ायदा हुआ है, पानी लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा जो ये वाला कलर था ना ब्लैक जो हम अब कर रहे हैं वो ज़रा सा फैल गया, ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, इसी तरह ही मैं पानी लगा रही हूँ और इसी तरह मैं यहाँ से कलर लूँगी। और ये देखें ये चीज़, अब ये देखें ये यहाँ से खुद ही फैल गया, मैंने नहीं फैलाया ये खुद ही फैल गया क्योंकि हमने नीचे पानी लगाया हुआ था और वो पानी पे जब हमने कलर रखा है तो वो खुद ही फैल गया, ठीक है। इसको हम चाहे तो ब्रश के साथ थोड़ा यूं यूं कर लें,
साथ हमने एक टिश्यू पेपर का वो रखना है टुकड़ा, ताकि हमें ब्रश साफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये मैंने ब्रश को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, हल्का हल्का पानी लगा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा क्लीन किया। जी जी, अभी हम सिर्फ इसको ना फैला रहे हैं, हम इसकी वो आउटलाइन नहीं करें, आउटलाइन बाद में हम क्लियर करके प्यारी से करेंगे। और अगर आपका कहीं पे थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आपने करना है उसके ऊपर फटाफट से पानी यूं लगा के ब्रश के ऊपर ज़ोर से फेरना है, और इसके साथ टिश्यू पेपर के साथ फ़ौरन साफ़ कर लेना, तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे कलर्स की एक लेयर लगी हुई है तो हमारा वो फ़ौरन साफ़ हो सकता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। मैंने इस ब्रश के ऊपर उसी तरह पानी लिया हल्का सा, और पानी की एक यहाँ पे लेयर लगा दी, ये पानी की लेयर लग गई। हमने कलर ज़रा थिक नहीं है, ज़रा थोड़ा सा इसमें भी पानी सा मिक्स किया हुआ है, ज़रा थिन सा कलर किया हुआ है, और यही है। आप जितना पानी ज़्यादा लगाएंगे ना, उतना जो है वो ये ज़्यादा फैलेगा। इस वाले ब्रश की बात करें, इस पर पानी जितना ज़्यादा होगा ना, ये उतना ज़्यादा कलर फैलेगा। जहाँ जहाँ तक पानी आपका आएगा वहाँ वहाँ तक कलर ने फैल जाना है, इसलिए ये नहीं कि अब आप ज़्यादा सा कलर गिरा लें, पानी गिरा लें और फिर जब कलर लगाएं तो वो पूरे पेज पे ही आपके आ जाए। जहाँ पे एक्स्ट्रा पानी आ गया वहाँ से आप फ़ौरन रिमूव कर दें, पानी सुखा लें टिश्यू पेपर के साथ। और ये देखिए, अभी इधर पानी के था, ये मैंने कलर लगाया और ये सारा कलर फैल जाता है। अभी हम सिर्फ कलर फैला रहे हैं उसके इर्द गिर्द, अभी मैंने उसके आउटलाइन नहीं की। जब हम आउटलाइन करेंगे तो वो बहुत हम क्लियर सी करेंगे। अभी समझ लें कि हम उसको प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ा सा साइड्स उसकी ब्लैक करेंगे। हमने सारा इसी तरह करना है, एक दफ़ा पानी की लेयर लगा लेनी है, दूसरी दफ़ा दूसरे ब्रश के पर कलर लेके यूं कलर लगा लेना, जहाँ जहाँ तक पानी होगा वहाँ तक वो खुद ही फैल जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा दोबारा करती हूँ, थोड़ा सा ना शुरू में स्टार्ट में कम आउटलाइन हुई है, मतलब कलर कम लगा था, तो हम इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा लगाएंगे। अच्छा, ये देखिए आपको अब नज़र तो आ ही रहा होगा। अब इसी तरह मैं बाकी भी करूँगी, सारे कॉर्नर से सारी इसकी जो आउटलाइन वगैरह है वो इसी तरह करूँगी। पहले एक दफ़ा पानी की लेयर लगाऊँगी और फिर उस पर एक कलर की लेयर लगाऊँगी ताकि वो फैल जाए। हमने कलर भी थोड़ा थिन सा रखना है पानी डाल के, ताकि वो फैल आसानी से फैल जाए, थिक कलर फैलेगा भी नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा कम लगा था, तो ये देखें ये एक आउटलाइन बन गई है, ये कलर फैला नहीं है, यहाँ से कलर नहीं फैला। उसकी रीज़न वही है जो मैंने आपको बताई है, कलर पानी तो थोड़ा सा लगा था। अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा गीला करूँगी, बाकी एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना कैनवास जो है इसकी साइड चेंज करूँगी और यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे हमारा लाइट कलर होगा वहाँ पे हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
ये देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब ये देखें आप गौर करें, यहाँ पे इतना हिस्से पे मैंने पानी लगाया था, ये देखें ये फैल गया सारा, ठीक है। इतने हिस्से पे मैंने नीचे पानी की लेयर नहीं थी लगाई तो यहाँ से नहीं फैला। और अगर मैं इसको भी फैलाना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर पानी लगा सकती हूँ, यूँ पानी लगाऊँगी तो ये भी फैल जाएगा, लेकिन हम पहले पानी लगा लें तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच गैप कम है, अब मैं एक लेयर अगर इधर करूँगी और एक लेयर इधर करूँगी तो बीच में गैप थोड़ा रह जाता है, तो फिर हम उस गैप को थोड़ा सा भी रख के करना क्या है, हम उसको भी ब्लैक ही कर देते हैं। ये देखिए हम इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे पानी एहतियात के साथ, ये हमने लगा लिया पानी। अब हम थोड़ा ब्लैक कलर लेंगे और बिल्कुल एहतियात, ज़्यादा आ गया, बिल्कुल एहतियात के साथ, क्या हो गया ना कलर, अच्छा बिल्कुल एहतियात के साथ हमने इसको ब्लैक कर लेना है। ये चीज ये चीज़ अब इसकी साइड चेंज करते हैं, और बल्कि पहले इस साइड से सारे कर लेती हूँ ताकि ना, अब ये वाले भी दो गैप कम है तो मैं इसमें ना ब्लैक पूरा डार्क ब्लैक ही कर दूँगी, भाई इसमें जो है वो अब आपको पता चल गया है ना कि ये मैं ये चीज़ किस तरह कर रही हूँ। अब मैं ये ज़रा सारी इसकी वो कर लूँ चारों तरफ से, फिर उसके बाद आउटलाइन मैं आपके सामने करती हूँ फिर से, ठीक है। मैं ये ज़रा कर लूँ जल्दी से। अब मैं इसकी आउटलाइन करने लगी हूँ।
तो ये रहा हमारा पेंटिंग का फाइनल लुक। अब मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ। ये हमारी फर्स्ट पेंटिंग, वर्ड्स के नीचे अगर हमारा डार्क कलर्स है ना, तो हमारी जो ब्लेंडिंग है ना वो ज़्यादा सही होगी बनिस्बत अगर हम उसके नीचे लाइट कलर यूज़ करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इतना वो जो वो है ना, हमने नीचे इसकी वो की क्या कहते हैं इसको, मुझे भूल गया। खैर आप कोशिश करें कि डार्क कलर के ऊपर बनाएं, डार्क कलर के ऊपर ज़्यादा वो प्यारा लग रहा है। और जो साइड्स पे ये जो हमने ऐसे यहाँ से प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ से ब्लैक ब्लैक किया था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत लाइट कलर के। मैं आपको लाइट कलर का भी दिखा दूँ, ये देखें